अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रियलमी C3 मॉडल है इसका। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसको, ये स्क्रीन पिन पैटर्न और फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है, जिसको आज हम रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने पिन पैटर्न कैसे रिमूव करना है और इसको आपने फैक्ट्री हार्ड रीसेट कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि उसको अपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका फैक्ट्री हार्ड रीसेट कैसे करना है और पिन पैटर्न आपने कैसे रिमूव करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसकी फ़ोन की आपने पावर को ऑफ़ कर देना है। तो आपने मुसलसल इसका पावर का ऑन ऑफ का बटन जो है वो आपने प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आपका ऑन ऑफ और पावर ऑफ और रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको पावर ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पर आपने पावर ऑफ होने के बाद 5 से 10 सेकंड आपने स्टे करने हैं, तो ताकि आपका जो ये कंप्लीट फ़ोन है वो ऑफ हो सके। अब उसके बाद आपने यहाँ पर इसका ये वॉल्यूम डाउन और अप की है यहाँ पर इसकी, तो इसको आपने यहाँ पर इसकी वॉल्यूम जो डाउन की है आपने मसलसल प्रेस करनी है, और यहाँ पर इसकी ऑन ऑफ की है इसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आपका फ़ोन लोगो आए, आपने ऑन ऑफ की को छोड़ देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये रिकवरी मोड भी लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर आपने इसका वॉल्यूम की डाउन की है उसको आपने मुसलसल प्रेस करके रखना है। तो अब यहाँ पर ये फैक्ट्री मोड में आ गया। अब आपने इसकी पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश। अब आपने यहाँ पर इसका वेब डाटा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपसे कोड मांगेगा, तो कोड इसका यहाँ पर इसकी साइट पर लिखा हुआ आ रहा है ये वाला। तो आपने यहाँ पर 7586 डायल करना है, 7586। तो यहाँ पर मेरे ये आ रहा है, आपका जो कोड होगा आपने वही यहाँ पर एंटर करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर इसका ये फॉर्मेट डाटा आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पॉपअप आएगा कैंसिल और फॉर्मेट का, आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। तो आपका जो वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आपका रिटर्न मोड में वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने वेट करना है जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। तो ये हमारा 100% कंप्लीट हो गया है। अब हम इस फ़ोन को यहाँ पर रीबूट होने देंगे, ये खुद ब खुद आपका फ़ोन जो है रीबूट हो जाएगा। तो जैसे ही रीबूट होगा, यहाँ पर आपने वेट करना है। जैसे ही आपका फ़ोन फर्स्ट स्क्रीन पर आता है, तो मैं आपको बताता हूँ आगे आपने क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो फ़ोन है वो 10 से 15 मिनट भी ले सकता है, 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वेट करना है जब तक आपका फ़ोन जो है कम्प्लीटली पावर जो है ना इसकी ऑन नहीं होती। तो दोस्तों, ये हमारा फ़ोन जो है वो फर्स्ट स्क्रीन पर आ गया है। तो सबसे पहले आपने जिस कंट्री से हैं उसकी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये इंग्लिश है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर ये नेक्स्ट का ऑप्शन है इसको यहाँ पर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर आप जिस कंट्री से हैं आपने इसका कंट्री सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान से हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ इसकी टर्म एंड कंडीशन आ गई है, इनको अब नेक्स्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पर डाटा है, इसको नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर इसका स्किप का ऑप्शन है, इसको मैं स्किप कर दूँगा, यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है जब तक आपका ये फ़ोन कम्प्लीट आपकी अपडेट वगैरह जो है वो चेक नहीं कर लेता जब तक। तो यहाँ पर आपने स्टे करना है जब तक आपका फ़ोन कंप्लीट अपडेट वगैरह को चेक नहीं कर लेता। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी अपडेट वगैरह चेक हो गई। अब आपने यहाँ पर डू नॉट कॉपी पे क्लिक करना है। तो
तो अगर आपका गूगल अकाउंट लगा हुआ है तो आपने यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। अगर आपका FRP अकाउंट लगा हुआ है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है, तो ये यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं जाएगा जब तक आप इसका गूगल अकाउंट एंटर नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये अपडेट वगैरह को चेक नहीं कर लेता। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका पासवर्ड आता है तो आपने यहाँ पर कैंसिल करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे, आपने इसका वाईफाई जो है वो उसको एक्टिव कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये गूगल अकाउंट यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों इसकी अलग से हम वीडियो क्रिएट करेंगे गूगल अकाउंट बाईपास करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते थे इसका पिन और पैटर्न लगा हुआ था, वो हमने रिमूव कर दिया। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया Realme C3 का, आपने फैक्ट्री हार्ड रीसेट कैसे करना है, इसको रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है, और इसका पिन पैटर्न आपने कैसे ब्रेक करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।